तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो एक और मैं बिहाइंड द सीन दिखाने वाला हूँ स्केच का। अभी एक मैं नया कमीशन वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसी का ही मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा पूरा, कैसे कैसे रहता है। और इस बार प्रॉपर पूरा फ्रेम व्रेम करवा के और उनको डिलीवरी का भी दिखाऊँगा आपको, कैसे रहता है प्रोसेस मेरा। तो दिखाता हूँ मैं कौन सा वर्क है। तो ये है वो नया वर्क जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये फुल शीट पे है, A2 साइज़ का। और अभी टाइम हो रहा है रात का 12 बजने वाले हैं। और अब मैं आउटलाइन बनाता हूँ इसकी, और जल्दी जल्दी थोड़ा इसकी आउटलाइन बना लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो जो आउटलाइन है वो आधी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि वर्क थोड़ा बड़ा है, A2 साइज़ है, पेपर साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से टाइम लग गया काफ़ी। और अभी रात का 1:30 बज चुका है, यानी लगभग मेरे को 1.5 घंटे से ऊपर लग गया है इसको आउटलाइन बनाने में। तो बेसिकली इसमें एक फादर और सन है स्केच में, जिनकी अभी की फ़ोटो है ये। और देख रहे होंगे बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है ये छोड़ा हुआ है। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि इसमें उनके बचपन की फ़ोटो आने वाली है। थोड़ा क्रिएटिव वर्क है कि अभी की फ़ोटो और बचपन का फ़ोटो दोनों आने वाला है, दोनों का, फादर का भी और सन का भी। और जो बचपन के फ़ोटो का आउटलाइन है वो मैं सुबह ड्रा करूँगा, अभी रात काफ़ी हो चुकी है, तो सोच रहा हूँ सुबह जल्दी उठ के इसे कम्प्लीट करूँगा। तो मैं सोच रहा था कि इसको सुबह करूँ, पर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा अभी कर लेते हैं इसको कंप्लीट और सुबह उठ के कलर कर लेंगे इस पर। तो अभी मैंने कर दिया, पूरा आउटलाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है और सुबह इसमें मैं कलरिंग स्टार्ट करूँगा। तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी इस वर्क के लिए मैं। हेलो गाइस, तो आज नेक्स्ट डे और अभी हो रहा है शाम का 5 और मैं दिखाता हूँ कितना हो चुका है वर्क। तो इतना कुछ हो चुका है कंप्लीट। तो जो अभी का फ़ोटो है, करंट फ़ोटो है, वो हो चुका है कंप्लीट, पूरा कलरिंग हो चुका है उस पर। तो काफ़ी रियलिस्टिक आया होगा जैसे आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा बचपन का वाला फ़ोटो, मोस्ट प्रोबेबली रात को करूँगा मैं, अब क्योंकि रेस्ट करूँगा थोड़ा अभी। तो इतना हो चुका है, तो अब रात तो करूँगा बाकी का काम। बस लास्ट क्या रह गया है, बचपन का फोटो रह गया है, बस वो करना रह गया है। उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा वर्क, और उसके बाद उसको कराना है फ्रेम। तो मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कैसे फ्रेमिंग रहेगी इसमें। तो खाना पीना हो चुका है और अब मैं बैठ रहा हूँ काम करने के लिए। तो जो बचपन वाला पार्ट है अब मैं इस पर कलरिंग स्टार्ट करूँगा। तो टाइम अभी 11:30 हो रहा है, तो घर वाले सो चुके हैं, तो फिर अब थोड़ा शांति रहेगी, तो इस वजह से अब बैठा हूँ मैं काम करने के लिए। तो इसको स्टार्ट करता हूँ और मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो इतना हो चुका है, अंकल का फेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ओल्ड फ़ोटो है तो ब्लर ही है, थोड़ा थोड़ा ब्लर फ़ोटो है। तो और टाइम अभी हो गया है पूरा 1 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी हैं। तो टाइम लग रहा है काफ़ी क्योंकि थोड़ा ब्लरी फ़ोटो है, पर मज़ा आ रहा है बनाने में। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो रात को मैं शूट नहीं कर पाया था, स्केच कंप्लीट हो गया है रात को ही, पर मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो बेसिकली रहता है कि जब मैं ड्राइंग करता हूँ तो मेरे को म्यूज़िक चाहिए होता है, तो मैं गाने बजते रहते, तो इस वजह से मेरी फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं शूट नहीं कर पाया था। तो स्केच कंप्लीट हो चुका है, तो मैं जस्ट अभी उठ ही रहा हूँ, मैं सीधे उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने मूव इन धोया है, तो मैं भी दिखाता हूँ कैसा लग रहा है आपको वर्क। तो होप आपको ये वर्क पसंद आ रहा होगा और काफ़ी मेहनत लगी इसमें। रात को कम से कम शायद 2:40 या 2:45 समथिंग में ये कंप्लीट हुआ था वर्क, और उसके बाद मैं सोया था। और अभी मैं उठा हूँ, अभी मैं फ़्रेश व्रेश हूँगा, उसके बाद चलेंगे फ्रेम करवाने। मैं दिखाऊंगा कौन सा फ्रेम करवा रहा हूँ, और उसके बाद ये वाला जो स्केच है मैं पर्सनली खुद ही डिलीवर करूँगा क्योंकि ये पास ही हल्द्वानी का ही है और मैं काशीपुर रहता हूँ। तो हल्द्वानी मुझे कुछ काम है तो मैं जाना है ही मेरे को हल्द्वानी, तो मैं सोचा था कि मैं ही दे देता हूँ। वैसे मैं फ्रेम करवा के नहीं देता हूँ, जैसे अगर कोई बाहर से, अगर दूर से कोई देता है स्केच ऑर्डर्स तो मैं उनको फ्रेम नहीं देता हूँ क्योंकि रास्ते में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि फ्रेम का कांच टूट ना जाए। सीन ये है कि कांच तो क्या है कि दोबारा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट
कांच जब टूटता है तो वो डैमेज कर देता है, बहुत बार ये होता है कि वो स्केचेस को हमारा डैमेज कर देता है, इस वजह से इतनी मेहनत जो है हमारी वो ख़राब जाती है। तो इस वजह से मैं प्रेफर नहीं करता हूँ फ्रेम वगैरह, मैं मना कर देता हूँ सीधे कि रहने देते हैं। तो हल्द्वानी मैंने जाना ही था तो इस वजह से मैंने ये वाला लिया है। बाकी अगर कोई हल्द्वानी, रामनगर, पीरूमदारा, काशीपुर ये आसपास के अगर कोई ऑर्डर होते हैं तो उस पर मैं फ्रेम प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि ये तो लोकल का ही हुआ ना, यहाँ तो मैं सेफली पहुँचा सकता हूँ। पर दूर का जैसे देहरादून हो गया, अदर स्टेट्स हो गया, तो वहाँ अदर स्टेट्स में भेजने के लिए थोड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर कांच टूट गया और फिर उसके बाद अगर स्केच डैमेज हो गया तो फिर वो पूरी मेहनत ख़राब कर देगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा फ्रेम बनता है, तो मिलते हैं। तैयार हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ फ्रेम करवाने के लिए। तो फ्रेमिंग के लिए मेरी एक परमानेंट शॉप है जहाँ से मैं रेगुलर बहुत टाइम से फ्रेमिंग करवा रहा हूँ, तो मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं, अभी धूप हो रही है, लेट्स गो। फाइनली स्केच फ्रेम होके आ चुका है और काफ़ी सुंदर लग रहा है इस फ्रेम लगने के बाद। तो वीडियो अगर स्केच अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक कीप ड्राइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।